अमिताभ बच्चन एंड रेखा लव स्टोरी। एक समय ऐसा था जब अमिताभ बच्चन और रेखा फिल्मी जगत के सबसे लोकप्रिय चेहरे थे। 90 के दशक में दोनों ने कई सुपरहिट फिल्में दी है। अमिताभ और रेखा किसी पहचान के मोहताज नहीं थे। इनकी जोड़ी ने पर्दे पर एक से एक हिट फिल्में दी है। अमिताभ और रेखा की जोड़ी को दर्शकों से भी खूब प्यार और स्नेह मिला है। 90 के दशक में ये जोड़ी डायरेक्टर की पहली पसंद हुआ करती थी। अमिताभ और रेखा एक समय ऐसा भी आया जब दोनों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चर्चे फिल्मी गलियारों में खूब चर्चे पर थे। लोगों के जुबा पे सिर्फ इनकी ही अफेयर की बातें हुआ करती थी। लेकिन आखिर में ऐसा क्या हुआ कि दोनों की राहें जुदा हो गई? तो आइए डालते हैं एक नज़र। जब अपने करीबी दोस्त की शादी में सिंदूर लगाकर पहुंची थी रेखा। एक बार तो ऐसा हुआ कि रेखा बॉलीवुड के लोकप्रिय सितारे ऋषि कपूर और उनकी पत्नी नीतू कपूर की शादी में सिंदूर लगाकर और मंगलसूत्र पहनकर चली गई थी। वहीं से ये अफवाहें उठने लगी कि अमिताभ और रेखा ने छुपके शादी कर ली है। लेकिन कुछ ही दिन बाद एक इंटरव्यू में रेखा ने बताया कि नीतू कपूर की शादी वाले दिन वो सीधे फिल्म की शूटिंग पर से ही शादी में चली गई थी और सिंदूर और मंगलसूत्र उनके फिल्म के किरदार का हिस्सा था, वो उसे उतारना भूल गई थी। अधूरी रही अमिताभ और रेखा की प्रेम कहानी। उस वक्त अमिताभ और रेखा की प्यार की दास्तां अब धीरे धीरे आग की तरह फैल रही थी। फिल्मी गलियों में तो इनकी प्यार के चर्चे थे ही, अब इनके प्यार की अफवाह। उस वक्त अमिताभ और रेखा की प्यार की दास्तां अब धीरे धीरे आग की तरह फैल रही थी। फिल्मी गलियों में तो इनकी प्यार के चर्चे थे ही, अब इनके प्यार की अफवाह जया के कानों तक भी पहुंच गई थी। कहा जाता है कि एक बार तो अमिताभ बच्चन घर पे नहीं थे, तब जया बच्चन ने रेखा को घर पर रात के खाने के लिए बुलाया था। उस वक्त रेखा गई भी थी। जया ने उनका काफी अच्छे से आदर सत्कार किया और उनके साथ खाना भी खाया और जया ने अपना घर भी दिखाया। लेकिन जब रेखा खाना खाकर जाने लगी तभी जया बच्चन ने कहा कि वो अमिताभ बच्चन को कभी नहीं छोड़ेंगी। उस रात रेखा ये समझ गई थी कि उनके और अमिताभ के बीच का ये प्यार आगे कभी नहीं बढ़ सकता है। यही वो रात थी जब से रेखा अमिताभ से अपनी राहें अलग करने की सोच ली थी। 1981 में अमिताभ और रेखा ने किया था आखिरी बार काम। साल 1981 में अमिताभ और रेखा की आखिरी फिल्म आई थी जिसका नाम था सिलसिला। इस फिल्म में अमिताभ और रेखा की जोड़ी ने आखिरी बार काम किया था। इस फिल्म को देखने वालों का कहना है कि ये फिल्म अमिताभ जया और रेखा की असल जिंदगी पर आधारित है। इस फिल्म के बाद अमिताभ और रेखा कभी साथ में काम करते नहीं देखे गए। सिलसिला फिल्म के बाद दोनों की राहें अलग अलग हो गई है। आज भी अमिताभ और रेखा अगर कहीं पर आमने सामने आ जाते हैं तो दोनों एक दूसरे से नजरें चुराते हैं। इस प्रकार दोनों की रोमांटिक लव स्टोरी का अंत हो गया और दोनों एक दूसरे के जुदा हो गए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी एक कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे हनु एसजी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।